लड़की की माँ थी काफी दबंग और खानदारी औरत। शहजादे सलीम, शायद आपने उसको अनारकली समझ लिया था। ये तो अच्छा हुआ कि बाबू भैया जलालुद्दीन अकबर बनकर टाइम पर आ गए और चली गई वो, वरना तो बाहर की दीवार देखिए ना, चिनवा देती मैं आप दोनों को उसमें। अस्तगफुरुल्लाह। अरे चांद मियां, समझाओ अपनी चची को, जब से ब्याह करके आई है शक किए जा रही है मुझ पर। चची समझ जाना आप, और आप प्लीज जाके मच्छू के बच्चों को कुछ समझा लें जरा, जो तमीज हो मेहमानों से कैसे बात की जाती है। खुदा ना खासा इनकार तो नहीं कर दिया उन्होंने? अल्लाह ना करे चचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा मुझे गाड़ी की चाबियां दे दे, मुझे जरा काम से जाना है। ये इधर ही कहीं पड़ी है, देख लो। अरे चांद, टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। ये तो सही कह रही हैं आप। अरे पर ऐसी स्टाइलिश माँ कहाँ मिलेगी। अरे बस कर देंगे हाथ पैर हिलाना, किसी दिन टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। अरे जिम क्यों नहीं चले जाते? अरे छोड़ो, जो काम चलते फिरते हो जाए उसके लिए अलग से क्या टाइम निकालना। जी जी मिसेस सोहेल, मैंने आपके पिक्चर्स देख ली हैं। आपकी स्किन ना बहुत रफ हुई हुई है, सिल्वर फेशियल ले लें आप, होल्ड कीजिएगा। तारा से बात हुई? आप अपने क्लाइंट को बताएंगे सिल्वर नहीं बल्कि गोल्डन फेशियल ले, ताकि फेस गोल्डी गोल्डी लगे। हैं? सुने मिसेस सोहेल, 24 कैरेट गोल्ड का ना फेशियल है हमारे पास। फटाफट मेरे लिए चाय बनाना, उसके अंदर जरा अदरक और दालचीनी डाल के ले आना। हाँ, उसके अंदर मुर्गी को नहलाकर आपके लिए चाय का चिकन सूप बना कर लिया। भाई क्या मुसीबत है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं डॉक्टर राजिया ने इसे दुनिया से तो नहीं उठा दिया? अरे यार पहले गाड़ी पार करूंगा। सॉरी, तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से कॉल्स कर रहा हूँ यार। और कहाँ है वो बड़ी सरकार? सर में दर्द था उनके, थोड़ी देर तक आएंगे हॉस्पिटल। अच्छा घर जाकर क्या कहा उन्होंने? कैफेटेरिया चलो बताती हूँ। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशकीमा तो नहीं है? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो गंदे गंदे ख्यालात आ रहे थे। चलो आओ। क्या कहा? कुछ नहीं होता बड़ी फैमिली से। भूल गए मीर जाफ़र साहब, हमारे इख्तलाफात की बड़ी वजह आपका पूरा ख़ानदान था। बहरहाल इतनी बड़ी फैमिली में तो कभी नहीं करूँगी मैं अपनी बेटी का रिश्ता। ज़रूरी थोड़ी जो कुछ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो यार। लेकिन मामा को तो ऐसे ही लगता है ना। तो तुम मामा को समझाओ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। गल्फ साइड पर जॉब लग जाएगी, हम चांदनगर से चले जाएंगे। ये बात तो तुम सोचना भी मत। सारी जिंदगी मैंने अकेलेपन को झेला है, अब मैं फैमिली सिस्टम को एंजॉय करना चाहती हूँ। एक बात तुम पहले क्लियर कर लो, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ मिनट मिनट की रिपोर्टिंग होती है। तुम कितने नाशुक्रे हो, कैसे फॉर ग्रांटेड लेने लगे तुम अपने रिश्तों को। अच्छा छोड़ो, हम कोई और बात कर लेते हैं, वैसे मेरा मूड बहुत लो हो रहा है यार। खाने को मंगवाती हूँ। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मूड नहीं हो रहा बिल्कुल। पार्किंग तक साथ चलो, पता नहीं जिंदगी भर का साथ है भी या नहीं। छू सकते हो मुझे? नहीं। तो फिर फजूल बातें करना छोड़, कुछ खा लो। नहीं यार मैं सच कह रहा हूँ, मूड नहीं हो रहा बिल्कुल। चलते हैं। चलो